हेलो फॉक्स, यू आर वॉचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज खई। भाई 2019 वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा के। उस जीत के हीरो रहे थे बेन स्टोक्स। अब बेन स्टोक्स ने एक बड़ा स्टेटमेंट जो एक बड़ा खुलासा किया है उसी वर्ल्ड कप में भारत के साथ जो मैच जो है इंग्लैंड का हुआ था। इंग्लैंड ने उस मैच में भारत को 31 रनों से हराया था, लेकिन उस मैच में, उस बड़े मैच में भारत की इंटेंट को लेकर लगातार जो है क्रिटिसिज्म हुआ था। अब उन्होंने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है धोनी को लेके, पूरी इंडियन टीम को लेके, कि जिस तरीके से भारतीय टीम ने वो मैच खेला था और वो मैच क्यों गंवाया और कैसे गंवाया था। उससे पहले स्पोर्ट्स टाइगर को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी जो है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बेन स्टोक्स का क्या कहना है इस बड़े मैच को लेके, साथ ही साथ क्यों उन्होंने सवाल उठाया है। कहीं ना कहीं भारतीय टीम का जो अप्रोच था, जो इंटेंट था, लगा ही नहीं कि वो जीतने के लिए खेल रहे हैं। दरअसल ये मैच है जहां पे भारतीय टीम 338 रनों का विशाल लक्ष्य चेस कर रही थी और भारतीय टीम मात्र 306 रन जो है बोर्ड पे लगा पाई। वो भी आप ये कह लीजिए कि रोहित शर्मा का शतक था, हार्दिक पांड्या के क्विक फायर 45 थे, कोहली ने भी 66 रनों की पारी खेली थी, लेकिन जिस सर्कमस्टांसिस में वो पारी खेली थी उसको लेके आप ये कह लीजिए कि थोड़ा अगर वो तेज़ खेलते तो शायद भारत जो है मैच के क्लोज जा पाता और जीत भी जाता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठा है महेंद्र सिंह धोनी और कहीं ना कहीं केदार जाधव ने, जिस तरीके से एंड में बैटिंग करी थी। जो मैच रहा महेंद्र सिंह धोनी ने 42 रन हालांकि ज़रूर बनाए, 31 गेंदों का उन्होंने सामना किया था, लेकिन बेन स्टोक्स का कहना है कि एक वक्त पे जब टीम को 11 ओवर में 112 रन चाहिए थे तो तब शायद इंटेंट थोड़ी बदलनी चाहिए थी एक तरीके से इंडियन टीम को, जो कि कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिला। शायद भारतीय टीम जीतने के लिए जा ही नहीं रही थी। इसको लेके उन्होंने बड़ा खुलासा जो है अपनी बुक में किया है, ऑन फायर जो कि उनकी बुक का नाम है, उसमें उन्होंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा उनको आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई कि क्यों भारतीय टीम जो है वो चेस करने के लिए नहीं जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि काफ़ी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो है इसको लेके बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसके अंदर अगर मैं उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की स्पेसिफिकली आपको थोड़ा सूरत हाल बताऊं कि किस तरीके से वो स्टेजेस चल रही थी, लीग स्टेजेस का जो पूरा सूरत हाल था उसके हिसाब से अगर भारत इंग्लैंड को हरा देता तो पाकिस्तान जो है उसके रास्ते खुल जाते सेमीफाइनल में जगह बनाने के। लेकिन ये भी कहा जाता है कहीं जगह कि पाकिस्तानी मीडिया में खास तौर से कि भारतीय टीम इसलिए हार गई कि उन्हें पाकिस्तान से फेस नहीं करना था। तमाम तरीके की स्पेकुलेशन जो हैं लगती आई हैं और उस हिसाब से अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल बयान जो है वो बेन स्टोक्स ने भी दे दिया है। आप भी हमें ज़रूर बता सकते हैं कि आपका क्या कहना है इस बड़े मुद्दे पर, क्योंकि एक ऐसा बयान है एक ऐसे ऑलराउंडर की तरफ से जो कि इस वक्त शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है। रिसेंटली उन्होंने इंग्लैंड को सीरीज जिताई है 3-0 से, पाकिस्तान को जो है सुपड़ा साफ कर दिया है। लेकिन ये जो बयान आता है ये आपको बिल्कुल ज़रूर लेके जा रहा है 2 साल पीछे, जब भारतीय टीम जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन उससे जो है थोड़े दिन पहले ही भारतीय टीम का इंग्लैंड के साथ सामना हुआ था और 338 का विशाल लक्ष्य जो है भारतीय टीम चेज नहीं कर पाई थी। कॉमेंट्री सेक्शन में भी सौरव गांगुली ने एक चीज़ बोली थी जो मुझे अभी भी याद है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ही आपको हर मैच नहीं जिताएंगे, आपको और भी प्लेयर्स चाहिए नीचे लोअर डाउन द ऑर्डर जो कि मैच जिता सकें। ये बड़ा बयान बेन स्टोक्स का था जो कि हमने आपको बताया है। इसी तरीके से हमारे वीडियोस को जो है आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और साथ ही साथ जो है आप स्पोर्ट्स टाइगर को भी बिल्कुल सब्सक्राइब करिए।